हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ, ईश्वर का देखेंगे। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको आज मेरे थ्रू देना चाहते हैं, ठीक है? तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें, जबरदस्ती अपनी कहानी ना बनाएं, ठीक है? चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों को थैंक यू बोलेंगे। जिन लोगों ने मुझे डोनेट किया है, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उन लोगों को हम आज थैंक यू सो मच बोलेंगे, ठीक है? ओके, BBSR845, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। द हायरोफेंट, तो देखिए कोई ना कोई चीज में आपको जस्टिस मिल रहा है, कोई ना चीज आपके जीवन में अपग्रेड हो रही है, यानी कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज में आपको जस्टिस मिलेगा और आप अपनी लाइफ में एक पोजीशन अपग्रेड करेंगे, यानी कि आपके जीवन के स्तर में सुधार होगा, ठीक है? मतलब ये चीजें जो है आपके जीवन में बहुत ही स्मूथली और सॉफ्टली होंगी। अब आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्टलेसली आगे बढ़ सकते हैं, चीजें आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है? ये मैसेज आपके लिए था। चलिए, ओके, नाजिया रूही 502529, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का, तो मैं बता देती हूँ आपको, देख लेते हैं कौन सा मैसेज है आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत चीज आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ी खुशी लेकर आएगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है आपके जीवन में। आप अपने घर से रिलेटेड कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है, कोई शादी से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में बड़ा सा अचीव करने वाले हैं, कोई चीज खरीदने वाले हैं, किसी नए रिश्ते में बढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, वो खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है? ये मैसेजेस आप लोगों के लिए थे। अब जिन लोगों ने मुझे डोनेट किया है उनके लिए भी कोई मैसेज ले लेते हैं। परमिला मल्लिक जी, थैंक यू सो सो मच, आपने मुझे डोनेट किया है, मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए जो मैसेज ईश्वर का है, तो देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज आप जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो चीज आपके जीवन में होने वाली है। आप तैयार हो जाइए एक नई अचीवमेंट के लिए, एक नई खुशी के लिए, जिस चीज के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया था वो चीज अब आपको मिल रही है। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के साथ जो रेजोनेट हो वही ले प्लीज, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, कई बार बहुत से लोग अपनी कहानी जोड़ लेते हैं, हमेशा आपके लिए मैसेजेस नहीं होते हैं, हमेशा आपके लिए चीजें नहीं होती, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उनको मेरे रीडिंग्स जो है जल्दी जल्दी मिल सके और मैं जब भी पोस्ट करती हूँ उन्हें पता चल जाए कि मैंने कब रीडिंग पोस्ट की। चलिए तो देख लेते हैं आज का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। ओके, एक मैसेज आ गया है, थ्री ऑफ कप्स, तो कोई खुशी आ रही है आपके लिए जिसको आप सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो
ओके, दो कार्ड जो कि आ गए हैं, टू ऑफ कप्स और एक कार्ड जो मैंने देख लिया है, बाकी कार्ड जो हैं छुपे हुए हैं, बट मैं वैसे ही देख लेती हूँ उनको, लेंगे नहीं हम इन्हें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके देखिए एक कार्ड आ गया है, तो देखिए वो ले लेते हैं हम, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए अगर ऐसे कोई चीज आपके जीवन में आती है जहां पर आपको अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई इंसान, जिसके साथ रिश्ते आपके शायद या तो खराब हो चुके हैं या खराब होते होते बचे हैं, अगर वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आता है किसी तरह से, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी वाली एनर्जी नहीं आई है। यानी कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया है ये लॉयल नहीं है। आपने भले ही कॉम्प्रोमाइज किया हो या फिर शायद आपने बिलीव किया हो, बट यहाँ पर कोई, आप तो किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं लेकिन आपको कोई खुश नहीं देखना चाहता, आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन ना आए इसकी उसने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक औरत भी आ गई है जो इस सारे षड्यंत्र के पीछे कुछ ना कुछ कर रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आया है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द डेविल, तो देखो भाई द डेविल भी आ गया है, यानी कि बहुत ही क्लियर साइन आया है, ये आपकी फैमिली में कुछ चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा डेविलिश है। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, और ईश्वर का ये मानना है, ये संदेश है कि इस चीज से आप बाहर ही निकल जाइए। कंपैरिजन की फीलिंग बहुत ज्यादा आई है, कुछ चीजें खराब भी हुई हैं, कुछ चीजें बिगड़ते बिगड़ते बची हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, और कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आप अपनी लाइफ के बहुत सी चीजों से लड़ते हुए, बहुत सी चीजों में संघर्ष करते हुए आपने किसी सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कोई बहुत अच्छे रिश्ते की शुरुआत करेंगे या कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा शुरू करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि देखो ये आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी फैमिली में कोई भी हो सकता है, या तो ये आपकी पेटर्नल फैमिली हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव आपके हो सकते हैं, बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, ऐसी कोई फैमिली हो सकती है जिसमें ये सब चल रहा है। यहाँ पर ना किसी चीज को खराब किया गया है पहले, फिर उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो देखो बहुत इमोशनल बन रहा है, दूसरा जो है बहुत ही कट्टर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेल फीमेल आए हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं।
ये लोग कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं। बट ये जो फैमिली पैटर्न है ना, इसके ऊपर बहुत हैवी स्पेल कोई करने की साजिश चल रही है, यानी कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो अगर आपकी फैमिली में या फिर आपकी फैमिली के ऊपर या किसी फैमिली के साथ आप जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मेरे इस सजेशन में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है। कोई बहुत जबरदस्त स्पेल करने वाला है आपके फैमिली के ऊपर, बहुत हैवी स्पेल करने वाला है और एक पैटर्न में आपको फंसा के रखना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, यानी कि बहुत हद तक मुझे जो समझ में आ रहा है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे आप लोगों के। यहाँ पे ना रिश्ते खत्म हो जाने वाली बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन था जिसको पहले खराब किया गया है, किसी चीज को बार बार रोका गया है। देखो, ये आपका सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके जीवन में कोई चीज है जिसको आने से लगातार लगातार कोई रोक रहा है। रोकने का रीजन है क्योंकि आपके डेस्टिनी में से कुछ खाना है किसी को, और उसको पता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो वो चीज किसी और को मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ आपको आपके ऊपर कुछ करने की, मतलब कोई कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है, सजेस्ट किया है कि कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है जिसको बहुत लंबे समय से जो है रोका जा रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। मतलब कोई बहुत डेस्परेट है, काइंड ऑफ इविल स्पिरिट है। दो लोग हैं, एक मेल और फीमेल, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ को आपकी लाइफ में, यानी कि जो भी मेरे व्यूअर हैं वो उनके लाइफ में लगातार 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 चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी फैमिली के ऊपर एक हैवी स्पेल और जादू टोना करने की पूरी कोशिश चल रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा जिसमें, देखो अभी की जो सिचुएशन है, आपके घर में ना चीजें बहुत अच्छी हुआ करती होंगी शायद पहले, फिर वो खराब हुई, आपने बहुत मुश्किल से चीजों को ठीक किया और फैमिली में चीजें ठीक हुई। आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हुए, दूसरों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हुए। तो यहाँ पर ना उन रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई टोना टोटका, कोई कुछ बहुत जबरदस्त, कोई बहुत हैवी स्पेल करने की पूरी प्लानिंग है यहाँ पे। ये फ्यूचर की एनर्जी है। यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ हैं जो डेस्परेटली एक चीज आपके जीवन में पड़े हुए हैं आपके पीछे की, किसी भी तरह से आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ लड़ कट के मर जाए, आपस में सब लड़े भिड़े और कटे मरे, और वो लोग इसमें अपनी रोटी सेक सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जो यहाँ किसी आपके ही फैमिली मेंबर को, किसी को इमोशनली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है ताकि उसको कुछ खिलाया पिलाया जाए, और फिर उसको उसके अंदर किसी इविल स्पिरिट को भेजकर आपके पूरे घर में कलेश मचाया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई आपको कहीं पर बुला रहा है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आपके जीवन में आ रही एक नई चीज को रोक रहा है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जितना हो सके दूर रहिए इन चीजों से, क्योंकि यहाँ पर कोई डेविल भेज रहा है, यानी कि कोई इविल स्पिरिट भेजी जाएगी आपके फैमिली के ऊपर, ठीक है। कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है रिश्ते करीब करीब, जैसे आपको सच पता चल जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी आपके लाइफ में, आपको सच पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको ना, आपको भी अपनी आंखें और कान नाक मुंह खुले रखने की जरूरत है, थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि आपके इर्द गिर्द एक्चुअली हो क्या रहा है, कोई कर क्या रहा है। थोड़ा सा ना कॉन्शियस होकर रहिए, इतना ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई कर क्या रहा है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है, यहाँ पे ना किसी तरह से, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि रिश्ते ओवरऑल खराब ही हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग्स। तो देखो अब ना एक सोच से बाहर निकलने की जरूरत है आपको, एक पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत है। मतलब जो एक होता है ना दिमाग का पिंजरा जिसमें आप कैद हो गए थे, आप उस कैद से आप बाहर निकलेंगे, यानी कि आप समझेंगे चीजों को और दुनियादारी को समझेंगे,
आप अपने जैसे लोगों से मिलेंगे और इस छोटे से पिंजरे से आप बाहर निकलेंगे। अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं, नया भाग्य आ रहा है जिसको कोई लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी आ रही है जिसको कोई रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके तो देखिए, आप जो है बहुत इंटेंसिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपको जो है डिवाइन गाइड कर रहे हैं, एंजल्स ना आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके डेस्टिनी का भी आपको मिलना है बाकी। लेकिन कोई जो है डेस्परेटली लगा हुआ भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो बन जाएगा भगवान और आपकी जीवन से चीजों को छीन पाएगा। प्रोजेक्शंस आप पे लगातार की जा रही है कि कैसे भी करके आपको सेक्रीफाइस किया जाए और आपके पैसे को छीना जाए, आपका जो कुछ भी है उसे छीन लिया जाए आपसे। आप बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे और देखो यहाँ पे आपको जो है डिवाइन के गाइडेंस भी मिल रही है, यानी कि आपको जो है ईश्वर गाइड कर रहे हैं। और नंबर 3-3 के कार्ड आए हैं जुपिटर, यानी कि देखो आपको अपना जुपिटर की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा तो जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन चल रहे हैं और आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है। कोई फैमिली है, ये फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ है, कोई दो लोग जो कि आपकी फैमिली में ना डिस्प्यूट क्रिएट कर देना चाहते हैं और आपकी फैमिली में जो पैसा है उसे छीन लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोच लीजिएगा जब भी किसी के पास जाएं। बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करने वाला हर इंसान आपके लिए लॉयल नहीं होता और प्यार करने वाला नहीं होता। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज कर लें। अगर कोई मीठी मीठी बातें करके आपको कुछ ना कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, कुछ दे रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलें और थोड़ा सा स्वाभिमानी बने। किसी से कुछ ना लें, कुछ खाएं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करके प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं आपके ऊपर भेजा जाए तो भी को। ठीक है, बट मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी और ये जो कुछ भी है ये वापस जा रहा है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा चेहरा तो दिखाएगा जरूर आपको। ओके, तो दो कार्ड आ गए हैं इमोशनल हीलिंग, यानी कि आपको जो है अब इमोशनल हीलिंग मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और डिवाइन क्रिएटिविटी। आई एम अ चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी, यानी कि आप जो है डिवाइन की क्रिएटिविटी को अब आगे प्रोसीड करेंगे, यानी कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपको पसंद है करना, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उनको लगातार कीजिए, उनको रोकिए मत किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं कि आप अपना काम करना बंद कर दें, आप सुस्त हो जाएं, परेशान हो जाएं, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ चीजें हो जाएं, ठीक है, लेकिन आपको अपना काम करना बंद नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको अपना काम करना बंद नहीं करना। आपको जो भी चीजें पसंद है, जो भी आप पसंद करते हैं, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव हॉट टर्न सभी का काम कीजिए, ये सभी आपके लिए बनाई गई हैं, इन सभी का फल आपसे जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो देखो आप अपने खुद की ही खोज के लिए निकले हैं, यही आपका सेल्फ पर्पस है कि आप खुद की खोज करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे, यानी कि आप जो है तो कुछ लोग होते हैं ना खुद को ही ढूंढते हैं, यानी कि ईश्वर की खोज कैसे करते हैं, मेडिटेशन करके भीतर जाइए, बाहर जब कुछ दिखाई ना दे, रास्ता दिखाई ना दे तो भीतर जाइए, आपको भीतर जाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ आप तो ये सभी चीजें बोली जा रही हैं कि आप खुद को थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा इमोशनल हील कीजिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज पर काम कीजिए, खुद से लड़िए, खुद से लड़ने की जरूरत है आपको, अपने नेगेटिव थॉट से लड़ने की जरूरत है आपको। और कोई चीज नहीं है जिससे आपको लड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने की थॉट से लड़ना है। चलो अब कुछ मैसेज जो है इस डेक से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। मजिशियन उषा, देखो आप एक ऐसी पोजीशन में हो, आप जो चाहे कर सकते हो अपने लिए, जो चाहे बना सकते हो और ईश्वर ने आपको बहुत सी चीजें ऑलरेडी दे दी है, यानी कि थोड़ा सा ना आप अपनी पावर को समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप शायद अपनी
पावर को नहीं समझते हैं, आप अपनी पावर्स को समझिए। आपको अपनी पावर में आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपको बहुत ही लो वाइब्रेंट समझते हैं, और उनको लगता है कि उनका कोई भी नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव स्पेल, कोई भी नेगेटिव इविल स्पिरिट या इविल एक्टिविटीज आपके ऊपर काम करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी भी डिवाइन सोल के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता, वो हमेशा ही बैकफायर होता है। एंड यू आर अ डिवाइन सोल। नाउ धर्म, यानी कि आपके जीवन में जो है ना, समय का पहिया बदल रहा है, जिसको कोई लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी खुजली है जो तो कहीं आप अपनी मंजिल की ओर ना पहुंच जाए, आपको आपके भाग्य का हिस्सा ना मिल जाए। ठीक है, तो जिन चीजों के लिए आपने एक लंबी चौड़ी तपस्या की हुई है, वो आपको जरूर मिलेगी। आप ना, यानी कि दिखाई रहा, आपको कोई बहुत ही हायर लेवल की पोजीशन मिलने वाली है, आप अपग्रेड करने वाले हैं अपने जीवन में। ठीक है, सूर्य, यानी कि आपने बहुत ज्यादा तपस्या की है अपने जीवन में, और सभी तपस्या का फल जो है ईश्वर अब आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही लो असॉल्ट में आप अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जियेंगे, और अपनी अचीवमेंट्स को देखेंगे, और ये जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये सभी आपकी सक्सेस को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑलरेडी आप हैं, यानी कि आपने ईश्वर का सरेंडर कर दिया है सब कुछ। आप तो ईश्वर के ही भक्त हैं, जैसे यानी कि यम, यानी कि जिन लोगों ने कुकर्म किए हैं, अब यम आ चुके हैं, उनके कुकर्मों का हिसाब करने, कब तक आप बचे रहोगे? कभी तो आपको भी अपने कर्मों का हिसाब देना है। हमेशा आप दूसरों के ऊपर टोने टोटके ही तो नहीं कर सकते, कभी तो आपने अपने भी कर्मों का हिसाब देना होता है। तो यहाँ पर कर्मों का हिसाब देने की बारी आ गई है किसी की, और वो लोग अपने कर्मों से बचने के लिए आपके ऊपर और नेगेटिव स्पेल कर रहे हैं, ताकि वो बच जाएं और आप सेक्रीफाइस हो जाएं, जो कि संभव ही नहीं है। कभी भी डिवाइन सोल सेक्रीफाइस नहीं होते हैं, वो भी मूर्ख लोगों के लिए। चलिए, ईश्वर का कोई मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं ईश्वर इन सभी संदर्भों में क्या बोलते हैं। माई शेप्स आर हाईली प्रोबेबल। ठीक है, आपने शायद ठीक से देख लिया होगा। ओके, इसका मीनिंग है कि दुर्घटना होने की पूरी संभावना है, दुर्घटनाएं होने की पूरी संभावना है, यानी कि आपके ऊपर ही ये लोग बहुत गंदी तरह से कुछ स्पेल कर रहे हैं। लेट इट गो, इसे जाने दो, जो कुछ भी है इसे जाने दो। आपको सिर्फ बैकफायर करना है, और ईश्वर पे सरेंडर करते रहिए। और अगर आप कोई बहुत ज्यादा डिवोटी हैं, तो ईश्वर को जरूर याद कीजिए, क्योंकि इन सभी चीजों से वही आपको बाहर निकालना है। यहाँ पर ये लोग जो है ना, बहुत एक बहुत ही छिछोरे कमजोर इधर आए हैं ये लोग। किसी का पैसा छीनने के लिए ये लोग छिछोरे पने पर उतर आए हैं, और आपके साथ जो है चाहते हैं कि कुछ हादसे हो जाए, आपके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, आपकी फैमिली में चीजें गलत हो जाएं। इसीलिए ये जो दो लोग हैं ना, ये एक आदमी है और एक औरत है, ये मेल और फीमेल जो हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ गलत करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। ये बहुत ही बेशर्म हो चुके हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि इनके पूरा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चलो कुछ ना कुछ अच्छा ले लो। ओके, यू आर एंटरिंग अ पावरफुल, चलो कितने सारे मैसेजेस आ गए। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत होगा, जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन। तो भाई आप अपने जीवन में तो बहुत बड़ी लॉटरी जीतने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं, और लगातार देखते रहते हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ताकि चोरी चकारी की जा सके, टोना टोटका करके आपके घर में सबको लड़वाया भिड़वाया जा सके। और जहां तक मैं जानती हूँ, आप लोग भी इनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब इनको भी पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है इनके गंदगी का, इनकी गंदगी का। ईश्वर आपको एक विश दे रहे हैं, आप जो भी चाहें ईश्वर से मांगना वो मांग सकते हैं। कार्मिक कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग
कार्मिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, फाइनल इसलिए ये चीजें होती हैं। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो भाई आपकी जो वाइब है आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि कोशिश कीजिए जितना हो सके आप पॉजिटिव वाइब वाइब करें, यानी कि जितने ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिवली वाइब्रेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके आसपास चीजें पॉजिटिव होंगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतने ही ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी, वहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। तो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपना आपा खो दें, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के खुद के बदसूरती के कारण आप अपनी खूबसूरती को खराब ना करें, ईश्वर आपको बार बार वार्न कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बदतमीजी के लिए आप खुद की खूबसूरती को खराब ना करें। आपको अपना व्यवहार को खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, या कुछ गलत काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर इन्हें देख लेंगे। एवरीथिंग यू लूज इज गोइंग टू रिप्लेस, हर चीज जो आपसे छीनी गई है या आपने खो दी है वो हर चीज आपको रिप्लेस होने वाली है। ठीक ठीक है, चलो ओके। कुछ कार्ड सीधे हैं, कुछ उल्टे हैं, जो दिख गया वो ले लेते हैं। स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज वैल्यूड, आपको कहा जा रहा है आप वहां रहिए जहाँ पे आपके प्रेजेंस की कोई वैल्यू है, जहाँ आपके प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है वहां आपको नहीं जाना है। यू हैव एन एंजल हार्ट, तो भाई आपके पास एक एंजल वाला दिल है। ठीक है, यू हैव हीलिंग वॉइस, आपकी आवाज बहुत ज्यादा हीलिंग हो सकती है, शायद जब आप बात करते हैं या लोग आपको सुनते हैं या लोगों से आप बात करते हैं तो लोग हील हो जाते हैं। यू हैव अ स्पोकन आईज, तो आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, आपके पास बहुत खूबसूरत आंखें हो सकती हैं। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको खामोशी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है किसी अननेसेसरी ड्रामा से, यानी कि अगर आपके जीवन में कोई अननेसेसरी का ड्रामा चल रहा है तो बेटर ये है आप शांत रहें, खामोश रहें। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग रियली स्पेशल सून, तो भाई कोई बहुत स्पेशल चीज आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मैसेजेस थे आपके लिए आज, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, मेरे एडवांस कोर्सेज आ रहे हैं जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी कर सकते हैं, जो लोग मेरे तरह ही एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं वो सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप लोग मेरे साथ कोई भी एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, ओ आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।